नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बल्लवी राय, यूट्यूब चैनल भारत एक नई सोच से। दोस्तों, जो कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों का आंकड़ा है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर सिर्फ गुरुवार की ही बात की जाए यानी कि कल की, तो 88 लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना वायरस से। अब जो आंकड़ा है वो 694 जा चुका है, यानी कि 700 लोग जो हैं वो कोरोना वायरस से पीड़ित है सिर्फ भारत में। और कल भर में 88 लोग जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए। दोस्तों, एक तरफ हमें क्वारंटीन किया जा रहा है, लॉकडाउन में हमें रखा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो पीड़ितों की संख्या है वो लगातार बढ़ी रही है। दोस्तों, हम ये भी जान चुके हैं कि अभी तक जितने भी विकसित देश हैं, जितने भी वेल मेडिसिन सुविधाएं रखने वाले जितने भी देश हैं, जिनके मेडिकल सुविधाएं इतनी अच्छी हैं, वो उन सब सारे देशों ने जो है घुटने टेक दिया, उन सारे देशों की कमर टूट चुकी है। ऐसे में भारत जो ना तो बहुत विकसित देश है, ये एक विकासशील देश है, यहाँ मेडिकल सुविधाएं जो हैं वो भी बहुत 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 ही जो है सीमित है। दोस्तों, इतना समझ लीजिए कि हमारे पास ना तो वेंटिलेटर बेड्स है, ना हमारे डॉक्टरों के पास मास्क है, ना हमारे डॉक्टरों के पास ग्लव्स है। और जो मैं जिस ड्रेस की बात करी थी उसका नाम है PPE, उस ड्रेस का नाम है, जो वाइट तरह का पोशाक होता है, वो स्पेशल पोशाक होता है जो डॉक्टर जो है वो पोशाक पहनकर मरीजों के संपर्क में जाते हैं, वो पोशाक तक हमारे पास नहीं है। और ऐसे समय में वो पोशाक मिल पाना भी बड़ा मुश्किल है। ना तो हमें इमरजेंसी सुविधाओं के लिए, ना तो हम किसी देश का दरवाजा खटखटा सकते हैं, और ना ही हम उस चीज़ का मतलब निर्यात कर पाएंगे ना। सोचिए दोस्तों, अब ये जो कोरोना वायरस की जो समस्या है वो सिर्फ हमारे पास नहीं, विश्व के कई देशों के पास है। जो बहुत विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका जैसी कंट्री ने भी जो है इसको विश्व आपातकाल घोषित करके वो भी जो है अपनी कमर को जो है सीधा करने में लगा हुआ है, उसकी भी कमर टूट गई है। इसके अलावा इटली की अगर बात की जाए, तो इटली एक ऐसा शहर है जो आधुनिक सुविधाओं से लैस होने के साथ साथ उसकी जो मेडिकल सुविधाएँ हैं, उसे कहा जाता है कि विश्व की दूसरी सबसे अच्छी मेडिकल सुविधाएं जो है इटली में है। अब हम देख रहे हैं कि इटली की हालत कितनी खराब हो गई, कितने अधिक संख्या में लोग वहां मर रहे हैं, इतनी बेहद खराब स्थिति जो है वो आ चुकी है। ऐसे में मुझे नहीं लगता, और कई देशों ने अब जो सीधे तौर पर ये कह दिया है कि वो कोई भी मेडिकल सुविधाएं किसी को भी प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, क्योंकि वो खुद ही उस समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में हमारे लिए बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे पास पहले तो मेडिकल सुविधाएं बहुत कमी है, जो हमें वेंटिलेटर बेड्स की ज़रूरत है वो भी बहुत कम है। हमारे यहाँ बहुत कम वेंटिलेटर बेड हैं, बताया जा रहा है कि 16,000 बेड जो है सिर्फ हमारे पास हैं, और भारत की आबादी जो है हम सबको पता है कि 130 करोड़ है। दोस्तों सोचिए, 130 करोड़ के बीच में सिर्फ 1600 वेंटिलेटर बेड्स हैं हमारे पास। इसके अलावा डॉक्टरों को जो मेडिकल सुविधाएं चाहिए वो नहीं है उनके पास, जो बेहद बेहद ज़रूरी बेहद प्राथमिक जो चीज़ें हैं वो उनके पास नहीं है। ना उनके पास ग्लव्स है, ना उनके पास मास्क है, ना उनके पास ड्रेस है। ऐसे में डॉक्टर भी हिचकिचा रहे हैं, डॉक्टर भी कसमस खा रहे हैं कि वो कैसे लोगों की सुविधा दे पाएँ। इसके अलावा दोस्तों, हमें क्वारंटीन किया गया, बेहद अच्छी बात है, हमें लॉकडाउन करके अंदर रखा गया, बेहद अच्छी बात है। लेकिन इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण बात हमें ये समझना चाहिए, जो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, वो हमारे बारे में क्या कह रहा है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिन्होंने भारत के लॉकडाउन का तो समर्थन किया है, भारत के लॉकडाउन को तो अच्छा बताया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि लॉकडाउन कर देने मात्र से हम बच नहीं पाएंगे। लॉकडाउन जो होता है वो मोहलत मांगने का प्रक्रिया है। जो लॉकडाउन है वो हम जो है उससे मोहलत मांग रहे हैं, हम कोरोना वायरस से मोहलत तो मांग रहे हैं, लेकिन हमें ऐसे समय में सिर्फ लॉकडाउन कर देने से हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहना है, हमें लॉकडाउन के बाद और भी कई महत्वपूर्ण काम करने होंगे। इस तरह की बात जो है WHO ने की है। WHO ने कहा कि लॉकडाउन तो सही है, लेकिन ये कोरोना वायरस से हमें दूर रखने का एक तरीका है, लेकिन कोरोना वायरस हमें बचा नहीं सकता। अगर हमको कोरोना वायरस को रोकना है या कोरोना वायरस से बचना है, तो उसको ढूंढ ढूंढ कर ख़त्म करना होगा। ये मेरे शब्द नहीं है, WHO के शब्द हैं। भारत को लेकर WHO ने क्या कहा है वो भी जानना ज़रूरी है। और अब ऐसे समय में हम WHO के दिए गए सलाह को झुटका नहीं सकते, उसके सलाह को अनदेखा नहीं कर सकते, जब हमें पता है कि हम बेहद खराब स्थिति में दोस्तों चल रहे हैं। हमारे पास ना मेडिकल सुविधाएं इतनी अच्छी हैं, ना हमारे पास इतना पैसा ही है। अगर ये जो अभी बीमारियां हैं, ये अगर शहरों से गांव के बीच में आ गई,
तो दोस्तों जान लीजिए कि इसे खत्म करना बेहद मुश्किल होगा, या कहिए कि खत्म ही नहीं कर पाएंगे। पूछिए क्यों? इसका कारण ये है कि ये बात किसी से भी नहीं छुपी है कि गांव के जो दूर दराज के इलाके हैं वहां तक मेडिकल सुविधाएं अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं। वहां के लोग के पास मेडिकल सुविधाएं नॉर्मली नहीं पहुंच पाती हैं। ऐसे समय में जब कोरोना वायरस इन लोगों के बीच में फैल जाएगा तो इन लोगों को मेडिकल सुविधाएं मिल ही नहीं पाएंगी। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि कई दूर दूर गांवों में एक ही हॉस्पिटल होता है जिसकी हालत बेहद खराब होती है। कई किलोमीटर दूर दूर तक एक हॉस्पिटल जिसकी हालत बहुत खराब है, ये सबको पता है। हमने कई बार ऐसे वीडियोस बना के आपको दिखा भी चुके हैं कि मतलब 8-10 गांव के बीच में एक हॉस्पिटल होता है जिसकी हालत खराब होती है। सुनिए दोस्तों, WHO क्या कह रहा है। WHO के दिशा निर्देश को अब अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन तो सही है पर और भी कई तरीके के काम जो है वो हमें और आपको मिलकर करना होगा, तभी हम कोरोना वायरस से बच पाएंगे। इस तरह की बात जो है वो WHO कर रहा है। WHO ने कहा है कि लॉकडाउन एक समय सीमा है, एक निश्चित समय सीमा तक आप लॉकडाउन लगा सकते हैं, एक मोहलत मान सकते हैं आप कोरोना वायरस से बचने की, लेकिन इससे बच नहीं सकते। एक न एक दिन जब आप लॉकडाउन खत्म करेंगे, जब आप लॉकडाउन को खत्म करेंगे तब फिर से कोरोना वायरस फैलने लगेगा। दोस्तों इसका कारण ये है कि आज जिन जिन लोगों को कोरोना वायरस है वो अपने घरों में बैठे हैं, तो ये बहुत अधिक तेजी से नहीं फैल पा रहा है, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है वो लोग बाहर निकलने लगेंगे, फिर ये बड़ी तेजी से फैलने लगेगा। ऐसे में हमें जरूरत ये है जो WHO ने कहा है, उसने ये कहा कि आप लॉकडाउन कराइए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को घरों में सीमित कराइए, ये सही बात है, लोगों को क्वारंटीन रहने के लिए बोलिए, सही बात है, लेकिन इसके अलावा हमें जिन जिन लोगों को क्या बोलते हैं कोरोना वायरस है उनको ढूंढना है, उनकी उसकी जड़ को ख़त्म करना है। उसने कहा कि कोरोना वायरस को मार के ही इस जंग को जीता जा सकता है, वायरस को ढूंढ ढूंढ कर उसको मारना है। सबसे अधिक मात्रा में आपको टेस्टिंग करानी होगी, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में लोगों को ढूंढना होगा, उनकी टेस्टिंग करानी होगी। जब तक दोस्तों टेस्टिंग नहीं होगी तब तक जो है ये पता ही नहीं चल पाएगा कि किन किन लोगों को कोरोना वायरस है। दोस्तों आज भारत में टेस्टिंग जो है वो बेहद कम मात्रा में हो रहा है, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है कि भारत में टेस्टिंग जो है वो कई छोटे छोटे देश हैं, जो हम लोग तो 130 करोड़ के हैं दोस्तों, 130 करोड़ हम लोग की टोटल आबादी है, लेकिन बहुत से ऐसे छोटे छोटे देश हैं जो हमसे दुगुना या तिगुना अधिक मात्रा में जो है वो टेस्टिंग करा रहे हैं। हमारी पॉपुलेशन के आधे का आधा है लेकिन तब भी उनकी टेस्टिंग जो है वो हमसे 3 गुना 4 गुना अधिक है। हमारे यहाँ टेस्टिंग तो हो ही नहीं रही, हमारे यहाँ टेस्टिंग इस आधार पे की जाती है कि आप जो है वो विदेश से आए हैं तब आपकी टेस्टिंग होगी, जो लोग विदेश से नहीं आए हैं उनकी टेस्टिंग ही नहीं की जा रही है। अगर मेरा जुकाम है, मेरा गला खराब है, या फिर मुझे अगर वो लग भी रहा है, मुझे अंदेशा भी है, अगर मैं टेस्टिंग के लिए जाती हूँ तो पहले मुझसे पूछा जाता है कि क्या आप विदेश से आई हैं, अगर मैं कहूँगी नहीं तो बोलेंगे आपको टेस्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी कई मामले आ रहे हैं सामने, जो लोग जाँच कराने जा रहे हैं उन्हें ये कहा जा रहा है कि आप विदेश से नहीं आए हैं तो आपको टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब तक अन्य कई देश हैं जो ये बता रहे हैं कि कई ऐसे लोग भी हैं जिनको कोई भी सिम्टम्स ही नहीं आ रहे, जिनको पता भी नहीं चल पा रहा है कि इनको कोरोना वायरस हुआ है। जैसे कोरोना वायरस के सिम्टम्स जो है उसमें ये है कि सूखी खांसी और तेज़ बुखार, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सूखी खांसी और तेज़ बुखार नहीं है तो भी उनको कोरोना वायरस है। ऐसे समय में समझना हमें ये है कि हमें सब लोगों की टेस्टिंग करनी है। इतनी बड़ी मात्रा में टेस्टिंग कर पाना तो ज़रूरी नहीं, और शायद भारत में उतनी सुविधाएं नहीं है, तो ऐसे में हमें समझना होगा दोस्तों कि हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है, हमारे पास पैसा इतना अच्छा नहीं है, तो ऐसे में हमें ये करना है कि हमें जो है कोरोना वायरस से बचना है। तो दोस्तों ऐसे समय में हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हम अनावश्यक बाहर ना निकलें। अभी भी भले लॉकडाउन हो गया है, भले कितने भी सरकारी निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन तो भी आम लोग जो है वो इस चीज़ को लेकर सजग और सचेत नहीं नज़र आ रहे हैं। अभी भी लोग जो है वो अपने गली मोहल्ले में निकल कर गेम खेल रहे हैं, बच्चे जो है उनको बाहर निकलने का मौका दे रहे हैं। ऐसे समय में दोस्तों हमें और आपको एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी होगी। ऐसे समय में हमें और आपको भी सजग होना पड़ेगा। और दोस्तों ये अब आप समझ लीजिए कि हमें और आपको अपने घर के किसी भी लोगों को किसी भी हाल में बाहर नहीं निकलने देना है। अगर आज हम 2 दिन अच्छा खाना नहीं खा पाएंगे, 2 दिन अगर सब्जी में टमाटर या प्याज नहीं पड़ेगा दोस्तों, तो कोई बहुत बुरी स्थिति नहीं आ जाएगी, लेकिन अगर हम
अपनी अगर हम लोग अपनी इच्छाओं को कम करके कुछ दिन घर में रह जाएंगे तो हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे समय में हमें क्या करना है, हमें जो है बाहर नहीं निकलना है, चाहे कुछ भी ज़रूरत पड़ जाए। और लोगों को भी समझाइए दोस्तों, जो आपके आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको फ़ोनिंग के जरिए फ़ोन करके कॉल करके समझाइए और कहिए कि बाहर ना निकले अनावश्यक। अभी भी कितने भी लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं लेकिन लोग बाहर निकल रहे हैं, उनसे हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप ऐसे ही बाहर निकलते रहे तो हम कोरोना वायरस से नहीं लड़ पाएंगे, हम ऐसे ही कमज़ोर होते रहेंगे। और अगर ये ऐसे ही फैलता रहा तो हम जो है अभी अभी 21 दिन के लिए लॉकडाउन हुए हैं, कल हम 3 महीने के लिए लॉकडाउन होंगे और हो सकता है कि ये लॉकडाउन और भी अधिक बढ़े। तो ऐसे में हमें एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये प्रण लेना होगा कि कितनी भी ज़रूरत क्यों ना पड़े हम बाहर ना जाएं। ये तो ज़रूरी है कि फल सब्जी लेने लोग बाहर निकल रहे हैं, लेकिन दोस्तों समझिए अगर एक दिन प्याज या लहसुन सब्जी में नहीं पड़ता है तो कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आ जाएगी। सरकारें बहुत अच्छा पहल उठा रही हैं और अगर उन्होंने कुछ कमियां शुरुआत में की, ये बात सही है कि अगर शुरुआत में ही जो जब कई देशों में कोरोना वायरस का सिम्टम्स देखा जा रहा था, कई देश जब लॉकडाउन कर रहे थे तब भारत को भी करना चाहिए था, लेकिन भारत ने कहा कि ये भारत पर असर नहीं होगा, इस तरह की बातें। शुरुआत में थोड़ी ढीलेपन की वजह से जो है ये बढ़ा है, लेकिन अब दोस्तों अब इस बारे में बात करने से अच्छा है हम ये बात करें कि हम इससे कैसे निकले। जो हो गया वो हो गया, इस चीज़ पर बाकी बाद में हम बात करते रहेंगे, लेकिन अभी हमें ज़रूरत है एक साथ आने की, सरकार द्वारा दिए गए सारे रूल्स को फॉलो करने की, जो विशेषज्ञ हैं जो सलाह दे रहे हैं उन सारे सलाहों को मानने की। दोस्तों समझ लीजिए इसका कोई इलाज नहीं बन पाया है अभी तक, इसका एकमात्र इलाज यही है कि आप जो है अपनी सुरक्षा स्वयं करें, सारे निर्देशों को फॉलो करें और अपनी साफ सफाई रखें। दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अनावश्यक बाहर नहीं निकल रहे होंगे, आप किसी भी शख्स जो बाहर निकल रहा है उसको समझाने की कोशिश कीजिए कि अगर ऐसे ही लोग बाहर निकलते रहे तो ये जो लॉकडाउन है वैसे ही बढ़ता रहेगा और हम और आप ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। तो दोस्तों अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं। WHO तो भारत को बोल चुका है कि लॉकडाउन तो अच्छा कदम है लेकिन सिर्फ लॉकडाउन से हम नहीं जीत पाएंगे। तो WHO की बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी खुद की अपनी क्या प्रतिक्रिया है, और आप कहीं बाहर तो नहीं निकल रहे? अगर आप बाहर नहीं निकल रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप बाहर नहीं निकल रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।